हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इलास्टिक डालने का परफेक्ट तरीका। सभी का इलास्टिक डालने का अलग अलग तरीका होता है, तो आज हम एक तरीका शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने दो दो इंच का निशान लगा लिया, क्योंकि ये दो दो इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर हम जितनी हमारी इलास्टिक है उतना इसको मोड़ लेंगे। आप इंची टेप से भी निशान लगा सकती है, आप इलास्टिक को रख कर भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए और सवा इंच ये बाहर की तरफ से नेफा बनाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और नेफा बनाते समय बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़े को मोड़ना चाहिए, कपड़े को खींचना नहीं चाहिए, वरना इसमें आगे जाके चुनटें आएंगी। और यहाँ से हम थोड़ा फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से हमारी इलास्टिक डलेगी। नेफा बनाते समय थोड़ा सा इसको ढीले हाथ से छोड़े, क्योंकि आगे जाके कपड़ा या तो कम हो जाता है या ज़्यादा, फिर वो अच्छे से परफेक्ट नहीं हो पाता। देखिए, यहाँ पर 24 इंच की हमारी बेल्ट है, मतलब हमारा नेफा तैयार होगा। तो इसके तीन पार्ट करते हैं, जैसे 8, 8 × 16, 8 × 24। तो हम यहाँ पर 16 इंच की इलास्टिक डालेंगे। और इस तरह से देखिए, हमने जो 3 से 4 इंच का गैप छोड़ा था, यहाँ से हम इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को डालेंगे। और अब यहाँ से जितना हमने निशान लगाया था कट करते हुए, 16 इंच की इलास्टिक हमारी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने से पहले आप अच्छे से देख लेना नेफे में कहीं भी इलास्टिक मुड़ ना गई हो, क्योंकि इसकी वजह से फिर दिक्कतें आएगी। और उसके बाद इस तरह से इलास्टिक को एक सिरे को दूसरे सिरे के ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। आप 3-4 सिलाई लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, अब इसके बाद हम अच्छे से कपड़े को खींचते हुए इलास्टिक को हर तरफ से सेट कर लेंगे। और ये जो हमने 3 से 4 इंच का गैप छोड़ा था, अब यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से खींचते हुए ताकि कोई चुनरी ना आए। और ये सिलाई लगाते समय ध्यान रखना कि इलास्टिक ना आ जाए सिलाई के अंदर, इलास्टिक से थोड़ा हटके हम ये सिलाई लगाएंगे। और देखिए, अब इलास्टिक के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई करते समय हम कपड़े को अच्छे से खींचेंगे इस तरह से, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल ही परफेक्ट लगे। अगर आप कपड़े को इस तरह से नहीं खींचोगे तो जितनी इलास्टिक है वो उससे ज़्यादा खींच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा वहीं के वहीं सिल जाएगा इन्हीं चुनटों के साथ। तो इस तरह से कपड़े को खींचते रहिए। और अब देखिए, एक सिलाई लगा लेने के बाद हम आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे। वैसे तो एक सिलाई में ही इलास्टिक परफेक्ट सेट हो जाती है, पर दूसरी सिलाई भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहद ही अच्छा लुक आता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी इलास्टिक सेट हो जाती है, जो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से हम कुछ ही मिनटों में बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से हमारे पैंट में, प्लाजो में इलास्टिक डाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, इस तरह से डबल सिलाई के साथ हम इलास्टिक की फिनिशिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से सेट हुई है।